हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार पैरामेडिकल का मॉडल पेपर सॉल्व, जो कि 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये टेस्ट नंबर 6 है। 5 टेस्ट ऑलरेडी हो रखे हैं। मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, उसमें जाके भी आप लोग कर सकते हो जिनको अभी तक किया नहीं है जिन्होंने। और वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 10 तारीख से आपका टीचमी टैब पर स्टार्ट होने वाला निःशुल्क पेड कोर्स, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपका लिंक है, और इस कमेंट बॉक्स में भी आप जाके लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आइए पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चंस पहला आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जनरली द सेकेंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ एन एटम विल बी, यानी जो आपका आयनन विभव होता है पहला, यहाँ दूसरा पूछ रहा है, तो आपका जनरली किस परमाणु के लिए द्वितीय आयन विभव एन्थैल्पी होगी, मोर कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी, इक्वल टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी, मोर देन थर्ड आयनाइजेशन एन्थैल्पी, या इक्वल टू थर्ड आयनाइजेशन एन्थैल्पी, यानी प्रथम आयनन एन्थैल्पी के तुलना में अधिक होगी आपकी दूसरी आयनन एन्थैल्पी, प्रथम आयनन एन्थैल्पी के बराबर, तीसरी आयनन एन्थैल्पी के उच्च, या चौथा तृतीय आयनन एन्थैल्पी के बराबर। तो किसके बराबर होगी आपको, तो आपको बताना है। तो जो आपका सेकेंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी होता है ना, वो आपका मोर होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी, बिकॉज ये डिफिकल्ट होता है कि क्योंकि एक बार जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी में, तो न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकालना और मुश्किल हो जाता है। तो 21 का आपका सही आंसर क्या होगा, 21 का आपका सही उत्तर होगा ए, मोर, ठीक है। प्रथम आयनाइजेशन एन्थैल्पी दूसरे से अधिक होगी, तो 21 का ए, मोर कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी। 22 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल द 14th एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड एंड ग्रुप इज रिस्पेक्टिवली कॉल्ड, यानी 14th एलिमेंट आपका 6th पीरियड का क्या कहलाएगा, लैंथोनाइट्स, एक्टोनाइट्स, एक्टोनाइट्स, लैंथोनाइट्स, चैल्कोजेन, हेलोजेन, एक्टोनाइट्स या हेलोजेंस। तो आपको लैंथोनाइट्स, एक्टोनाइट, एक्टोनाइट्स, लैंथोनाइट्स, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस या एक्टोनाइट्स या हेलोजेंस, क्या बोलते हैं हम लोग। तो सिक्स्थ पीरियड है आपका, और एलिमेंट नंबर 14 है, तो क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो इसको हम लोग लैंथोनाइट्स और एक्टोनाइट्स बोलेंगे, ठीक है, लैंथोनाइट्स और एक्टोनाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, ठीक है, ए, लैंथोनाइट्स और एक्टोनाइट्स। 23 देखते हैं, फॉर आयोनाइज्ड एटम द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इज, किसी भी आयोनाइज्ड एटम यानी आयनित हाइड्रोजन परमाणु के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, ठीक है। सो आपको आयनित हाइड्रोजन परमाणु के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, एन बराबर 1, एन बराबर 0, एन बराबर इन्फिनिटी, एन बराबर स्मॉलर देन इक्वल टू 1, क्या होगा आपका आयोनाइज्ड। तो आयनाइज्ड के लिए आपका क्या होगा, आयनाइज्ड के लिए आपका 23 का सी, ठीक है, एन बराबर इंफिनिटी, ठीक है। 24 का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, ठीक है, क्या होगा वीक एसिड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, HCl, HF, H2SO4, HNO3। तो यहाँ साफ साफ हमें दुर्बल अम्ल दिख रहा है, क्या होगा उसका उत्तर, सही उत्तर, दुर्बल अम्ल के लिए कौन सा सही उत्तर होगा आपका, जल्दी बता दीजिए। हाँ करेक्ट, आपका दुर्बल अम्ल यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताइए। हाँ बी, HF, HF आपका सबसे दुर्बल होगा, सबसे स्ट्रांग क्या होगा, H2SO4, उसके बाद कमजोर उससे कौन सा होगा, HNO3, फिर उससे दुर्बल कौन होगा, HCl, और सबसे दुर्बल HF, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, 25वां, कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिजॉल्व इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट इजिली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। यानी आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है जलीय सोडियम में, बाइकार्बोनेट में, तो इसके लिए आपका आसानी से घुल जाता है, तो उस कौन सा कथन सत्य होगा, फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स कॉन्जुकेट बेस सोर्स कंपेरेबल सॉलिबिलिटी,
बी है आपका फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। सी है आपका द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा आपको द कॉन्जुगेटिक एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टेबल देन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका मुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल या इनमें से आपका क्षार में तुलनायिक विलेयता दर्शाता है। ठीक है, ये पूरा ऑप्शंस आपका दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। ऑप्शंस पढ़ूंगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, आप ही लोग बताइए कौन सा सही होगा। यस, सी, यानी जो कॉन्जुगेट बेस बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का वो मोर स्टेबल होता है फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड से। और क्या बनता है आपका कॉन्जुगेट बेस, देख लेते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है। तो कॉन्जुगेट बेस आपका बनता है जैसे RCOOH है, ठीक है, प्लस NaH है, ठीक है, ये दोनों को हम लोग मिलाने पे क्या बन रहा है, CO2 के साथ, तो RCOONa प्लस H2O प्लस CO2 ये बना। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम लोग। सो आपका RCOOH प्लस HCO3 ऊपर में माइनस, और क्या बन रहा है RCOO माइनस प्लस H2O और प्लस CO2 ये बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 से हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स इंपॉर्टेंट। फिर आपका NN विभव के ऊपर यानी चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल से लैंथेनाइड एक्टिनाइड यानी SPDF ग्रुप से एक क्वेश्चन, ये आपका आयनाइज्ड यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, फिर आपका वीक एसिड वीक बेस यानी आपका इक्विलिब्रियम से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेट बेस का बात यहाँ पे हो रहा है ये भी इक्विलिब्रियम से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट देख रहे हो, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला ड्यू टू डिसिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन इट्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इट कैन बी एक्सेप्टेड एज, यानी आपका जो एल्केन की संरचना है, ठीक है, एल्केन्स की संरचना में विभिन्नता का कारण इसके गुण में विभिन्नता पाई जाती है, इसने किस रूप में जाना जाता है। तो आपका चेन आइसोमर्स, पोजिशनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। देखिए आइसोमर्स के ऊपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका क्वेश्चंस रहेगा, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, जैसे तो 2020 में आपका इसके ऊपर आया था, माल्टोज के ऊपर DL, ठीक है, तो ये आपको डेक्सट्रोरोटेटरी रिवोलोटेटरी के ऊपर आया था। तो उसी प्रकार से आइसोमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन आइसोमर, पोजिशनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये सारा आपका GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्लास 11th का है। ठीक है, कार्बनिक रसायन का पार्ट है, तो आपको बताना है कि क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन जो हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, संरचनात्मक समीभाव। ठीक है, समीभाव, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 27, म्यूचुअल एक्शन बिटवीन वाटर एंड द कैटायन और द एनायन और द बोथ साइड इज कॉल्ड आयनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, बोथ ए एंड बी, यानी जल तथा धनायन ऋणायन के या दोनों लवणों के माध्यम से आनायनों में क्रियाओं में को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो म्यूचुअल एक्शन बिटवीन वाटर एंड कैटायंस एंड एनायंस इज कॉल्ड बिटवीन द सॉल्ट, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जलीय अपघटन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के कारण होता है। ठीक है, म्यूचुअल एक्शन क्या, तो म्यूचुअल एक्शन आपका हाइड्रोलिसिस के कारण होता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फास्ट ही फास्ट होगा इसी तरह, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, टेस्ट है, तो टेस्ट को टेस्ट की तरह लीजिए, क्वेश्चन देखिए आंसर बोलिए, जब न्यूमेरिकल आएगा तब धीरे हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, आइडेंटिफाई कंबशन रिएक्शन कौन है इसमें से, जल्दी बताइए, C+O2 डेल्टा CO2, H2Cl2 डेल्टा H2SCl, CH4+O2 डेल्टा CO2+H2O, तो इसमें से चौथा है बोथ आपका ANC, बोथ ANC, तो क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, हाँ बोथ ANC आपका कंबशन रिएक्शन है, बोथ आपका, क्योंकि इसमें मीथेन और ऑक्सीजन के साथ जल रहा है और यहाँ पर कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ यानी कोयला भी जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, दोनों आपका कंबशन रिएक्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज लेस देन द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रू सोल्यूशन बिकॉज,
कोलाइडल पार्टिकल्स यानी कोलाइडल विलयन के अणु संख्या गुणधर्म के मान पर वास्तविक विलयनों की तुलना में समान सांद्रता पर कम होते हैं, क्योंकि कोलाइडल कणों का क्या होता है आपका, तो कोलाइडो कणों का आपका हैव मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, सस्पेंडेड इन डिस्पर्स फेज या लाइफोफिलिक कोलाइड या हैव लेस नंबर इन कंपेयर्स टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल विस्तृत होता है, परिक्षेत्रम माध्यम में निलंबित हो रहता है, या आपका द्रव रहने में आपका कोलाइडल बनता है, या संख्या में विस्तृत विलयन तुलना में कम होती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए यानी सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 उसका ध्यान रखते हुए आपको ये आंसर देना है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का इज लेस देन द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज कारण क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल में हैव लार्ज नंबर कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स रहते हैं, हैव लार्ज नंबर्स। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। हाँ, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी, तो हैव लेस इन नंबर कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, तो इसमें लेस नंबर हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा रहता है। 30 क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एसपीडीएफ ब्लॉक से दूसरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो क्या होता है आपका बताइए। हाँ, क्या होगा, एन माइनस वन डी एक से लेके 10 तक, ठीक है, उसके बाद एन एस वन से लेके 2 तक, तो ये किस में आपको मिल रहा है। हाँ, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी डी ब्लॉक का तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होगा, डी होगा। अब एस का बता दीजिए, पी का बता दीजिए और एफ का भी बता दीजिए फटाफट। हाँ, नोटबुक में कीजिएगा, यहाँ नहीं, कमेंट में भी कर सकते हो, नोटबुक में कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में कर लेना एसपीडीएफ का। हाँ, एसपीडीएफ का पूरा अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, दूसरी बार ये सवाल आ गया ट्रांजिशन मेटल का, यानी निम्न धातु में से कौन सा संक्रमण धातु है, जिंक कैडमियम मरकरी स्कैंडियम, तो क्या होगा उत्तर, कौन सा होगा आपका, तो स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन है, बाकी सब आपका जिंक मरकरी कैडमियम, इसका कंप्लीट 3d10 ऑर्बिटल्स रहता है, तो इस वजह से आपका इसको हम लोग नहीं बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन धातु नहीं बोलते हैं, क्योंकि 3d10 पूरा हुआ रहता है ABC का, लेकिन स्कैंडियम का नहीं रहता है, स्कैंडियम का कितना रहता है आपका, तो 3d1, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और देखिए, क्योंकि 3d10 भरा हुआ है जिंक कैडमियम मरकरी के लिए, इस चलते उसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज गिव्स, यानी सुक्रोज के एक अणु के जल अपघटन से प्राप्त होता है, ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज के दो अणु, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का एक अणु, ग्लूकोज तथा माल्टोज का एक अणु, तो आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज देखिए अभी बोले थे ना 2020 में सुक्रोज के ऊपर माल्टोज के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो 2021 में भी कुछ ना कुछ तो आएगा, तो जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का, ये बायोलॉजी का भी सवाल हो सकता है, तो क्या मिलेगा, ए मॉलिक्यूल ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज से, तो आपको मिलेगा अ मॉलिक्यूल ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज, क्या मिलेगा आपको बताइए। हाँ, सो आपको हाइड्रोलिसिस करने से आपको मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सुक्रोज का हो गया, सुक्रोलोज याद है कि नहीं, सुक्रोलोज दूसरा चीज हो गया आपका, फिर माल्टोज हो गया, ये सब फ्रक्टोज हो गया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से रहेगा ही रहेगा, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा पॉलीमर से, ठीक है, पक्का। 33 क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी धातुओं के अयस्क से आपका एक्सट्रैक्शन में ओर्स मदद करता है, कौन सा ओर्स आपका मदद करता है बता दीजिए। सो फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर या प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। हाँ सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेप्स, कोई भी धातुओं को आपको ओर्स
ओर से अस्क से निकालने के लिए धातु कौन कौन सा स्टेप किस वे में किया जाता है, तो ये बता दीजिए। तो सबसे पहले आपका हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं ओर का, फिर उसके बाद सेपरेट करते हैं मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटर, फिर लास्ट में उसका धातुओं का हम शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। अयस्कों को हम लोग सनातरित करते हैं, फिर सनातरित अयस्कों को हम लोग तत्वों का उससे निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सही ऑर्डर में, ठीक है। यह जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का एक क्वेश्चन यहाँ ओर से पक्का रहेगा। इस साल भी आया था आपका क्वेश्चन 2020 में कि किस धातु का आपका कच्चे लोहे में सबसे ज़्यादा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, तो वो कार्बन था 4%, ठीक है, 4 से 5% कार्बन में कच्चे लोहे में, पिग आयरन। अब रॉट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब आपको हम सब पैरामेडिकल का, केमिस्ट्री का पीएम सेक्शंस में करा रखे, तो प्लेलिस्ट जाके पूरा अच्छे से कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश अच्छे से कर लीजिए, और हर दिन हम बोलते यही हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको वही चीज़ कराया जाता है जो हार्ड होता है। जीके, मैथ्स, हिंदी, ये सब के लिए भदेरो चैनल है, बहुत सारा चैनल है जहाँ पे सब आराम से जीके दिनों रात जीके जीके हिंदी यही सब कराते रहते हैं, मैथ्स, क्योंकि वो सब आते हैं किस लेवल पे, 10th लेवल पे। साइंस कितने लेवल पे आता है, 12th पे, इंटरमीडिएट स्तर पे, ठीक है। तो इस वजह से ये हार्ड हो जाती है, तो इन लोगों को इस कराने में ज़्यादा अच्छा आसान लगता है, यही सब, साइंस नहीं। इसलिए साइंस के लिए हमेशा याद रखिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, आगे भी चलते रहेगा इसी तरह, ठीक है। 34, एक्सेप्ट एनी ऑफ द वन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लेन स्ट्रक्चर इन द गिवन, यानी आपको कंपाउंड दे रखा है, किसी एक का आपको प्लेन स्ट्रक्चर बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, किसका प्लेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यौगिक का संरचना समतल होगा, किसका, N2O3, NO2, N2O4 तथा N2O5, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर आपका समतल होगा बता दीजिए जल्दी से। हाँ, NO2 का समतल होगा, ठीक है, NO2 का आपका समतल होगा, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, देखिए समतले दिखेगा आपको, ठीक है। 180 डिग्री, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 35, 35 एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 शोज अनकॉमन बिहेवियर। ग्रुप नंबर 16 यानी ऑक्सीजन, जिसको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, वो आपका अनकॉमन बिहेवियर शो करता है, क्यों। हाँ, तो इसमें से कौन सा है, सेलेनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, नॉन ऑफ दिस। ग्रुप नंबर 16 का कौन सा आपका एलिमेंट जो है अनकॉमन बिहेवियर शो करता है, वो है ऑक्सीजन, पहले ही, क्यों, क्योंकि इसका सबसे पहले तो बात ये हो जाता है, क्योंकि स्मॉल साइज हो जाता है, स्मॉल साइज, और दूसरा है कि इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सेकेंड सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, क्लोरीन के बाद सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन, तब आपका आ जाता है नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है, इस वजह से छोटा है फिर भी सेकंड मोस्ट है, तो ये अनकॉमन इसका हो जाता है थोड़ा सा बिहेवियर, ठीक है। तो वर्ग 16 का एक तत्व जो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, सी, ठीक है। 35 का सी हो जाएगा, और जिनको क्वालिटी नहीं सही लग रही है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्वालिटी को, कम से कम 480p पे देखिए, नहीं तो 720p पे वीडियो देखिए। अब देखोगे 144p पे तो खराब है ना क्वालिटी दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें मैंने ऐड कर रखा है, क्वालिटी बढ़ाइए तनी, नेट को खर्चा कीजिए, यहाँ पे 720 कर लीजिए। 36 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एलिमेंट ए हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, एंड एलिमेंट ए इज़ द आइसोटोप ऑफ 26Fe38। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, किसी एक तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है, और तत्व ए Fe2658 का संभारिक है, यानी आइसोटोप्स है, तो ए में आपको बताना है एलिमेंट ए में कितना न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या है, ए माइनस जेड, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार कितना है आपका, 58 माइनस 26, तो कितना है आपका 32, तो 32 आपका सही उत्तर हो गया। तो ये फॉर्मूला सभी को याद है ना, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड निकालने के लिए, ठीक है। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्ट जा रहा हूँ आई नो, बट फास्ट चलना होगा, क्योंकि 20 डेज नहीं शायद 19 डेज अब बचे हुए हैं। इन विच एच एटम्स
अब रोज मैं याद दिलाऊंगा कि काउंट डाउन टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, ठीक है। हर वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब 17 दिन बचा हुआ है, जैसे बिग बॉस में बताता है ना, आज है 19वां दिन, तो अब आपका बचा हुआ है बस 19वां दिन। इन विच एच एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड आई मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, यानी आपका जो हाइड्रोजन एटम है उसका एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जिसके लिए मैक्सिमम हो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वो किस में आपको शो करेगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है, यहाँ लिख रहा हूँ, वी इक्वल टू आर एच वन एन आई स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। इस फार्मूला पे आपका ये आधारित है, जहाँ पे एन वन और एन टू मैक्सिमम एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसका एक और फार्मूला है आपका ई इक्वल टू आपका एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो इस फार्मूला से आपको पूरा यूज़ करके निकालना है, ठीक है। तो 37 का आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 37 का आपका ए होगा। इसके लिए आपका मैक्सिमम एनर्जी होगा ट्रांजिशन में। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। विच इज़ द स्टेबल फैक्टर फॉर मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ H2O, यानी H2O को स्थायी बनाए रखने के लिए स्थायी कारक कौन सा है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए कौन सा कारक है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर, तो आपको कौन सा है बताइए। हाँ, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। हाँ, यूरिया को मिलाया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला हम कल का वीडियो में भी पूछे थे, कोई कमेंट नहीं किया है, मतलब किसी को नहीं पता है यूरिया का फॉर्मूला। कोई कल का वीडियो में हम यूरिया पूछे थे, फॉर्मूला कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, आज भी बोल रहे हैं, देखते हैं कौन कमेंट करता है, किसका सही उत्तर आता है, क्या किसी को पता ही नहीं है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूरिया को मिलाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़े अमाउंट में स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता देने के लिए, ठीक है। 39 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूजफुल इन सर्जरी एंड डेंटल केयर फॉर वाइटनिंग एजेंट एज कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट फॉर मेकिंग RCC, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ उपयोग करते, POP, इसका भी फॉर्मूला आप लोग केमिकल सूत्र डालिएगा। दंत चिकित्सक और सर्जरी में सफ़ेदी के रूप में, टूथपेस्ट में घटक के रूप में, और आपका RCC बनाने में, तो कहाँ यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, हाँ CaSO4 ट्वाइस H2O, ठीक है, यही है ना आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ, तो इसको सर्जरी वगैरह डेंटल केयर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी ए, दंत चिकित्सक और सर्जरी में, हड्डी वड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है ना हाथ पे पैर पे, वही। विच इज़ यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, अब मिल्क को प्रिजर्वेशन करने के लिए, यानी दूध को हम लोग संरक्षण करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, H2O, D2O, H2O2 या HCl। D2O का क्या वेट होगा बताइएगा, तो D2O का कितना मॉलिक्यूलर भार होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, 18 होगा, 20 होगा, 19 होगा, या 17 या 16, क्या होगा, हाँ बताइएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं दूध में प्रिजर्वेशन के रूप में, ठीक है, वाइन में भी यूज़ करते हैं और अदर प्रोडक्ट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस। सो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिला, तो सबसे पहले बात कि आपको बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स अच्छे से कर जाना है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 भी अच्छे से कर जाना है क्लास 11th का, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना मैंने प्रीवियस ईयर से प्लेलिस्ट में बताया है वो भी कर लीजिएगा, और जो बच्चे करना चाहते हैं 10 तारीख से आपका केमिस्ट्री का स्पेशल क्लास टीच मी टाइम पे, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखा होगा, पिन कर रखे हैं, तो वहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए आप, नहीं तो क्लासरूम आईडी जो दे रखे बस वही डालिएगा, हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे, फिर 10 तारीख से हम लोग करेंगे स्पेशल क्लास, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर भी वो लिंक मिल जाएगा, और आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट वहाँ पर भी चल रहा है। चलिए, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, 19 या 20 दिन बाकी है, पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है, और इस चैनल को मत भूलिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।